हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चाय एडिटिंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इस तरह के फ़ोटो को हम लोग कलर ग्रेडिंग करके इस तरह बनाया दोस्तों, और इस इमेज पे हम लोग काम करने वाले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से और इसको फोटो एडिटिंग करने वाले हैं दोस्तों। और जो हम लोग लाइटरूम में से कलर ग्रेडिंग के उसका ट्यूटोरियल वीडियो नहीं लाए हैं दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम लोग ट्यूटोरियल वीडियो बिल्कुल लाएंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में हम लोग अपना इमेज ले लिए हैं। उसके बाद आपको एड फोटो में जाके हॉरोस्कोप वाला पीएनजी है, मतलब इमेज है, उसको ले लेना है। उसके बाद आप लोग चारों तरफ मिटा लीजिए, नहीं मिटाएंगे तो ऊपर भी चलेगा दोस्तों। उसके बाद गाइस, आप लोग को चलना है एडजस्ट वाले ऑप्शन पे। उसके बाद इसका सिचुएशन जो होता है उसको एकदम माइनस रख लेना है, जीरो तरफ रख लेना है, उसको ब्लैक एंड वाइट करना है। उसके बाद बाकी को थोड़ा थोड़ा सबको इंक्रीज कर लेंगे, मतलब बढ़ा लेना है आप लोग को, ठीक है। और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे तो ब्राउन कलर आएगा। उसके बाद दोस्तों, ये हम लोग का इमेज तैयार हो गया। उसके बाद इसको अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद गाइस, आप लोग को करना क्या है, इसका कैपेसिटी कम करना है। उसके बाद इरेज वाले ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद अच्छे से मॉडल को अच्छे से इरेज करना है, बाकी बैकग्राउंड के हिस्से को रहने देना है। तो गाइस, वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जा रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास ना लाइक आ रहा है, ना शेयर आ रहा है, ना सब्सक्राइबर आ रहा है। देखा जाए तो मेरे में 21 सब्सक्राइबर है। तो दोस्तों, थोड़ा वीडियो लेट आने का यही कारण है। अगर आप लोग सपोर्ट करें तो मैं डेली वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, मतलब डेली नहीं तो एक दिन में, नहीं तो दो दिन के अंदर में एक वीडियो डल ही जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एडिटिंग। फिर गाइस, अच्छे से इरेज हो जाने के बाद आप लोग को करना क्या है, इसका कैपेसिटी बढ़ा लेना है। उसके बाद देखना है दोस्तों, के बाद फिर से देखना है जूम करके। उसके बाद जहाँ ज़्यादा इरेज हो गया उसको रिस्टोर करके फिर से अच्छे से एकदम ध्यान से कर लेना है आप लोग को भी दोस्तों, ठीक है। तो गाइस, सब कुछ हो जाने के बाद आप लोग को एड फोटो में चलना है। उसके बाद एड फोटो में जाके मकर राशि लोबों का पीएनजी लेना है। उसको बाद इसको अच्छे से छोटा बड़ा करके जमा लेना, कैपेसिटी कम करके देख लेना जमा के। उसके बाद कैपेसिटी बढ़ाना है। उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड रखना है हम लोग को एड, ठीक है, याद रखना एड। उसके बाद इसको एडजस्ट में जाके हम लोग इसका यू को चेंज कर लेंगे, हल्का गुलाबी कलर रख लेंगे। उसके बाद इसका कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, जो कुछ भी है जिसको अपने हिसाब से रखना है, कलर रखना है, वो अपने हिसाब से रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। मैं गुलाबी कलर नहीं रखता हूँ, हल्का सा, ठीक है। उसके बाद गाइस, आप लोग को एड फोटो में जाके एक टेस्ट बना कर रखा हूँ मैं, इसको कैप्रिकॉर्न बॉय, मतलब मकर राशि लड़का। इसका पीएनजी को छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे साइड में हम लोग को रख लेना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद गाइस, आप लोग को एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाके इसका कलर वलर थोड़ा चेंज कर लेना है। उसके बाद इसको ब्लेंडिंग मोड स्किन रखेंगे दोस्तों। तो गाइस, इसको रिसाइज कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या डाल के हम लोग इसको रिसाइज कर लेंगे। इसका हम लोग का इमेज तैयार हो गया दोस्तों, तो हम लोग को इसको सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट, नए आइडिया, नए ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।